आज गुरुवारी चौथ व्रत है, आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ भी नहीं कर सके तो इन जगहों पर दीपक जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे कि यह चौथ व्रत गणेश जी महाराज को समर्पित है और अपने आप में अद्भुत होते हैं। चौथ व्रत जो है माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए हर महीने पड़ने वाले व्रत को करती हैं और अपने आप में अद्भुत होता है। कई महिलाएँ कई तरह के उपाय करती हैं, आप नहीं भी कर पाते तो मात्र इन जगहों पर दीपक प्रज्वलित करके भी आप जो है पूरे व्रत का लाभ उठा सकती हैं और सभी कामनाएं गणेश जी महाराज श्री हरि विष्णु से पूर्ण करवा सकती हैं, क्योंकि आज श्री हरि विष्णु का दिन है। तो देर न करते हुए आप चाहें तो आटे का दीपक लगा सकती हैं जो कि सर्वोत्तम माना जाता है, नहीं तो माटी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो दीपक है वह आप सभी को केले वृक्ष के नीचे लगाना है, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है। इससे जीवन में तेजस्वी प्रभाव होता है और श्रीहरि विष्णु का जो है वासा माना जाता है केले वृक्ष के नीचे। अगर आपके घर पर केले का वृक्ष है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो आप कहीं पर भी जो केले का वृक्ष लगा हो वहाँ पर जो है श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए संभव हो तो आटे का लगा दीजिए। आटे का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है, नहीं तो माटी का भी ले सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करते हुए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें और गोलबत्ती का दीपक लगाएं। दीपक का मुख हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी यह कार्य करें। दूसरा दीपक आप सभी को भगवान शिव के मंदिर में, जो कि गणेश जी महाराज भी वहां पर ही विद्यमान हैं, तो उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आप सभी को जो है एक श्री भगवान शिव के मंदिर में, गणेश जी महाराज का दिन है तो उनका ध्यान स्मरण करते हुए गोलबत्ती का दीपक जो है भगवान शिव के मंदिर में लगा देना चाहिए। तीसरा स्थान आता है घर पर मटका परिंदा, जहाँ पर भी आपका पानी का स्थान है ना, या जो भी आपके पितरों, कई जगहों पर पितृ स्थापित होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग विधान बताया गया है, तो आप सभी को एक दीपक पितरों के नाम का लगाना चाहिए। पितरों के नाम का जो है लंबी बत्ती का दीपक लगता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी को एक दीपक लंबी बत्ती का घर में ही पितरों के स्थान पर लगाना चाहिए। पितर जो है हमारे घर परिवार में प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि, संतान सुख या कोई भी जीवन की कामना है स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। तो तीन जगहों पर आज जरूर से दीपक लगाना है, संभव हो तो इससे अधिक दीपदान कर सके तो जैसे कि पीपल वृक्ष और साथ ही समी वृक्ष, आंवला वृक्ष या बेलपत्री वृक्ष, इन जगहों पर कर सके तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो आज के दिन तीन जगह ही दीपदान करना पूर्ण माना जाएगा। आपके अपने घर के मंदिर में तो लगाते ही होंगे, यह भी सर्वश्रेष्ठ है, सभी को शाम के समय लगाना चाहिए। परंतु कई महिलाएं क्या करती हैं, बहुत अधिक रात्रि हो जाती है तब दीपक लगाती हैं। हाँ, किसी का कोई ऑफिस वर्क है या किसी कारण से बिजी हैं तो भगवान सब देख रहे हैं, माता पिता स्वरूप में है, परंतु कोई महिलाएँ जानबूझ के यह कह रही हैं तो यह सही नहीं है। अपना कीमती समय, थोड़ा सा गौधूली बेला जिसे कहा जाता है, थोड़ा सा रात्रि और जो है दिन के बीच का समय जिसे गौधूली बेला, साँझ का समय, प्रदोष काल के आसपास हल्का सा अंधेरा रहे और हल्की सी रोशनी रहे तभी दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए। और निरंतर कोई ना कोई मंत्र का जाप करें, चाहें तो आप तिल्ली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो घी का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। जय माता दी।